हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हश ये 1998 की एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक हस्बैंड एंड वाइफ प्रेग्नेंट होने के बाद उनके विलेज में जाते हैं। वहाँ वाइफ का एनकाउंटर बहुत ही अजीब अजीब चीजों से होता है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर जैक्सन और हेलन, ये दोनों हम गाड़ी में देखते हैं। जैक्सन पहली बार हेलन को अपनी मदर मार्था से मिलने के लिए ले जा रहा है। हेलन उससे पूछती है कि मुझसे पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स को तुम घर लेकर गए हो। जैक्सन कहता है कि वैसे कोई भी नहीं थी। जैक्सन के मदर से मिलने के लिए हेलन पहले ही नर्वस थी और अब और भी नर्वस हो जाती है। हेलन को जैक्सन के घर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो एक बड़े से पैलेस की तरह ही ये घर है। बहुत ही सरप्राइज्ड होती है। आज बहुत ही रात हो चुकी थी तो मार्था ऑलरेडी सोई हुई है। उसने जैक्सन को कहा था कि वो और हेलन ये अलग अलग रूम में सोए। जैक्सन हेलन को ये बात बताता है पर फिर उसे अपने ही रूम में लेकर जाता है। सुबह होती है, हेलन उठती है और उसके बेड के पास ही ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ है। उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जैक्सन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। वो जैक्सन पर खुश होकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है पर तभी वहाँ मार्था दिख जाती है। हेलन ने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे और इसी तरीके से वो जैक्सन की मदर से पहली बार मिली। ये सब रियलाइज कर वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो मार्था से सॉरी कहती है। मार्था कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अलग रूम में होगी। इस ऑकवर्ड मीटिंग के बाद ये सीन यही खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक्सन, मार्था और हेलन ये सब हॉर्स राइडिंग के लिए आते हैं। इनका घर बहुत ही बड़ा है पर इसके आसपास की भी बहुत सारी लैंड इनकी ही है। ये हॉर्स भी ब्रीड करते हैं और अपने ही लैंड पर इन्हें राइड भी कर सकते हैं। मार्था को लग रहा था कि जैक्सन क्रिसमस के लिए यही रुकने वाला है पर जैक्सन उसे कह देता है कि मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, वो एक दो दिनों में यहाँ से चले जाने वाला है। बहुत दिनों बाद जैक्सन घर आया था। मार्था को लगा था क्रिसमस के लिए वो रुकेगा। ये सब सुनकर वो अपसेट हो जाती है। वो आगे चली जाती है तो हेलन भी जैक्सन को समझाती है। वो कहती है कि जाओ अपनी मदर से तुम बात करो, उसे नाराज मत होने दो। रात में हम देखते हैं कि जैक्सन और हेलन एक साथ हैं। हेलन का डे बहुत ही अच्छा गुजरा है तो बहुत ही खुश है। वो जैक्सन से कहती है कि ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये हाउस, तुम्हारा बैकग्राउंड, ये सब बहुत ही अच्छा है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन ये दोनों और मार्था चर्च जा रहे हैं। बाहर बहुत ठंड है और हेलन ने कुछ भी स्वेटर नहीं पहना। मार्था एक स्कार्फ लेकर उसे रैप करती है। हेलन के गले में एक पुराना सा लॉकेट है जो मार्था देखती है। इसमें एक कपल की फोटो है तो मार्था उसे पूछती है कि ये कौन है। हेलन कहती है कि ये मेरे मदर एंड फादर है। मार्था बोलती है कि अब ये कहाँ है। हेलन कहती है कि जब मैं छोटी थी तब ये गुजर गए थे। मार्था को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद जैक्सन उनके पास आता है और ये सब चर्च जाते हैं। चर्च में प्रेयर खत्म हो जाने के बाद जैक्सन विलेज के लोगों से मिलता है। वो बहुत सालों बाद आया है तो सबसे बातें करता है। इन लोगों में से एक आदमी कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम वापस आ चुके हो। एक्चुअल में मार्था ने सब लोगों से कहा था कि जैक्सन अब उसके पास ही रहने वाला है। घर आने के बाद जैक्सन मार्था से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। मार्था कहती है कि अब तुम्हें यही रहना चाहिए, तुम्हें वैसे भी तुम्हारा जॉब अच्छा नहीं लगता। जैक्सन कहता है कि हेलन का जॉब वहा है, हम ये सब छोड़कर नहीं आ सकते। मार्था फिर मजाक में हेलन से कहती है कि तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही हो, तुम बहुत ही सेल्फिश हो। नेक्स्ट डे जब हेलन हॉर्स राइडिंग कर रही थी तो अपनी ही लैंड में गुम हो गए। उसे घर वापस कैसे जाना है ये समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ फिर उसे एक पोल्ट्री संभालने वाला आदमी दिखा। ये आदमी उसे घर कैसे जाना है इसके सब डायरेक्शन दे देता है। वो बहुत ही क्रीपी था। वो घर आने के बाद जैक्सन से बात करती है तो जैक्सन कहता है कि मदर ने मुझे क्रिसमस के लिए रुकने के लिए मना लिया है, हमें अब जरा रुकना पड़ेगा। ये घर में क्रिसमस की एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। ये मदर एंड सन एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में जैक्सन और हेलन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। एक्सीडेंटली मार्था घर में घूम रही थी तो इन दोनों को उसने देखा। हेलन और मार्था एक दूसरे से गुड बाय ले रही थी। हेलन इतने दिन यहाँ रही, यह सब परफेक्ट था। उसके खुद के पेरेंट्स नहीं है तो मार्था उसे मदर की तरह लगी। ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल था तो ये रोने लग जाती है। इसके बाद जैक्सन और वो वहां से चले जाते हैं। जिस तरह से न्यूयॉर्क में इनका रूटीन चलता था उसी तरीके से कंटिन्यू होता है। एक दिन हेलन प्रेजेंटेशन दे रही थी, अचानक से उसे उल्टी आ गई। उसके बाद उसने कुछ टेस्ट वगैरह लिए। जैक्सन जब घर पर आता है तो उसे वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। जैक्सन डायरेक्टली उसे उससे शादी करने के लिए कहता है। हेलन को नहीं लगता कि वो सीरियस है पर जैक्सन कहता है कि हम इतने सालों से एक साथ हैं, तुमने ही मुझे कहा था कि जब तक हम प्रेग्नेंट नहीं हो जाते तब तक शादी करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। हेलन भी अब इसके लिए मान जाती है। अब ये न्यूज बताने के लिए जैक्सन अपनी मदर मार्था को कॉल करता है। वो जब बताता है तो मार्था डायरेक्टली पूछ लेती है, वो कहती है क्या वो प्रेग्नेंट है। जैक्सन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। मार्था कहती है
ये सब चीजें मदर को पता होती है। मार्था भी इन सब चीजों के लिए एक्साइटेड है। वो कहती है कि तुम्हारी शादी हम यही हमारी लैंड पर करेंगे। जैक्सन को सिटी में ही शादी करनी थी, पर मार्था उसे विलेज में शादी करने के लिए मना लेती है। अब वेडिंग डे आता है और इनकी वेडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। इस वेडिंग में एक ओल्ड वुमन आई हुई है। हेलेन उसे पहचान नहीं पाती तो उसके पास आती है। ये ओल्ड वुमन हेलेन से कहती है कि तू कभी लंच के लिए आई ही नहीं। हेलेन को कोई भी लंच के बारे में पता ही नहीं था। ये ओल्ड वुमन कहती है कि मैंने मार्था से बात की थी और उसने कहा कि तुम बहुत ही बिजी हो। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि मैं जैक्सन की ग्रैंड मदर हूँ। मार्था ने तो वेडिंग के लिए मुझे इनवाइट भी नहीं किया था। ग्रैंड मदर फिर हेलेन की रिंग देखती है। वो कहती है कि ये मैंने मार्था को दी थी। मैंने जब उसे दी थी तब उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। इनडायरेक्टली ग्रैंड मदर हेलेन से कह रही होती है कि मार्था बहुत ही डेंजरस है। वेडिंग हो जाने के बाद हेलेन और जैक्सन फिर से न्यूयॉर्क में आते हैं। इनके अपार्टमेंट के आगे का पोर्च का लाइट खराब हो चुका था। हेलेन जैक्सन को कहती थी कि इसे जल्दी से रिपेयर करवा दो, पर उसने कभी भी करवाया ही नहीं। एक दिन हेलेन जब घर पर आए तब उसके पीछे पीछे एक गुंडा अंदर घुस आया। पोर्च में अंधेरा था तो उसे देख नहीं पाए। उसने उसे चाकू लगाया। हेलेन बहुत ही डर गई। हेलेन ने उसे कहा कि मुझे कुछ भी मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो हेलेन का लॉकेट निकाल लेता है, उसके पेट पर वार कर उसे जाते जाते कहकर जाता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ रहती हो, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। हेलेन अपने बच्चे के लिए बहुत ही डर गई थी। उसके बाद वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में आती है। चेकअप वगैरह करवाया जाता है और बेबी सेफ है। थोड़ी देर में जैक्सन भी वहां पहुंचता है। इसके बाद जैक्सन अपनी पोर्च की लाइट बदलवाता है। डोर की कीज भी वो चेंज करवा लेते हैं। हेलेन को बहुत ही डर लगता है। अभी भी उस चोर की आवाज उसके माइंड में उसे आती रहती है। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो मार्था ऑलरेडी घर में है। उन्हें एक सरप्राइज देती है। डिनर के वक्त फिर मार्था जैक्सन से बात करती है। वो अब बूढ़ी होती जा रही है और उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करना ये उसके लिए हार्ड है। वो जैक्सन को कहती है कि मुझे अब ये प्रॉपर्टी बेच देनी है। एक बायर ने उसे ऑफर भी दी है। जैक्सन कहता है कि बहुत ही कम पैसे है, 3 साल पहले इसे ट्रिपल कीमत हमें देने के लिए लोग रेडी थे। मार्था बोलती है कि अब प्रॉपर्टी सही से मेंटेन नहीं है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। फादर के गुजर जाने के बाद विल में डायरेक्टली ये जैक्सन को मिली थी। जैक्सन फिर इस प्रॉपर्टी को और भी डेवलप करने के लिए प्लान बनाता है। अपनी मदर को सब इंस्ट्रक्शन वो देने वाला है। सेल करने से पहले वो इसे इम्प्रूव करेंगे, यानी कि प्राइसिंग बढ़ जाए। वो जब ये प्लान बना रहा था तो हेलेन उसे कहती है कि हम वहां जा सकते हैं, ये सब काम हम खुद कर सकते हैं। प्रेग्नेंट होने की वजह से हेलेन अब जॉब नहीं कर रही और जैक्सन खुद एक आर्किटेक्ट है। जैक्सन हेलेन से कहता है क्या मेरी मदर के साथ तुम अच्छे से रह पाओगे। तो हेलेन कहती है कि मुझे तुम्हारी मदर पसंद है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कि बच्चे का क्या। हेलेन कहती है कि हमारे बच्चे के लिए वहां बड़ा होना एक अच्छी बात है। न्यूयॉर्क में नॉइस पोल्यूशन है, ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। जैक्सन फिर सीरियस होता है। हेलेन से कहता है मेरे फादर के बारे में तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है। वो जब छोटा था तब उसके मदर और फादर की फाइट चल रही थी। उसके फादर ने मदर पर चीट किया था, दूसरी औरत के लिए हमेशा उन्हें छोड़कर वो जाने वाले थे। मदर और फादर की फाइट बहुत ही बढ़ गई। फादर मदर को मारने के लिए जा रहे थे पर जैक्सन स्टेयर के नीचे ही छुपा था। उसने मदर को बचाने की कोशिश की और उसके फादर को धक्का लग गया। वो सीढ़ी से नीचे गिरकर मर गए। वो अपने फादर को हेट करता है क्योंकि मदर को उन्होंने चीट किया था, पर फिर भी उसे बहुत बुरा लगता है। हेलेन कहती है कि शायद उस घर में जाना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो, पर ये सब चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। तुम हमेशा इन सब से, इन इमोशन से दूर नहीं रह सकते। इसके बाद ये डिसाइड कर जैक्सन के मदर के पास पहुंच जाते हैं। हेलेन अच्छे से रेस्ट लेती है। जैक्सन भी प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे काम करता है। एक दिन मार्था जैक्सन से बात करती है। कहती है कि जब भी औरत प्रेग्नेंट हो तब उससे कोई इंटीमेट हो ये उसे अच्छा नहीं लगता। थोड़े दिनों के लिए तुम हेलेन से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। जैक्सन मदर से कहता है कि हमारी चीजों में तुम ज्यादा इंटरफेयर मत करो, मुझे जो सही लगेगा वही मैं करूंगा। जैक्सन इस पर जरा सोचता है। हेलेन घर में जरा साफ सफाई कर रही थी तो बहुत सारे चूहे उस पर गिर गए। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। वो फिर एक रिलैक्सिंग बाथ लेती है। मार्था भी हेलेन को अच्छा लगे तो इसके लिए टी लेकर आती है। हेलेन कहती है कि मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। मार्था कहती है कि ये सब बहुत ही नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में अलग अलग इमोशन आते रहते हैं। तुम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की हो। जैक्सन तुम्हें कुछ भी कहे या बोले इस पर तुम ध्यान मत रखना। प्रेगनेंसी के वक्त आदमी जरा अलग बिहेव करते हैं। मार्था कहती है कि मेरे हस्बैंड भी मुझसे डिवोटेड थे, पर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो वो मेरे पास ही नहीं आते थे। या हम देख सकते हैं कि मार्था जैक्सन और हेलेन के बीच में एक दरार बनाने की कोशिश कर रही है। उसने जैक्सन को हेलेन से दूर रहने के लिए कहा और हेलेन को कहा आदमी प्रेगनेंसी के वक्त
दूर रहने लग जाते हैं। एलन भी यह सुनकर वरी करने लग जाती है। मार्था से कहती है जैक्सन को ऊपर भेज दो। मार्था नीचे आकर जैक्सन से मिलती है, पर हेलन ने जैक्सन को ऊपर बुलवाया है ऐसा कुछ भी उसे नहीं कहती। उल्टा उसे कहती है कि हेलन को अकेले में कुछ टाइम चाहिए, आज रात ऊपर मत जाना। एक दिन हॉर्स का ऑक्शन चल रहा था। हेलन कुछ विलेज के लोगों से बात करती है तो लोग कहते हैं कि मार्था हमें कह रही थी कि तुम बहुत ही वीक हो। वो विश करते हैं कि हेलन इस वीकनेस की वजह से बेबी लूज ना कर दे। मार्था ने ऐसा क्यों कहा तो हेलन उस पर बहुत ही नाराज हो जाती है। यहीं पर हेलन जैक्सन की ग्रैंड मदर को भी देख सकती है। उसे मिलने के लिए जा रही थी पर उसे मार्था रोक लेती है। वो उसे स्ट्रिक्टली मना करती है, तुम उसे नहीं मिल सकते। हेलन कहती है कि मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो आगे जा रही थी तो मार्था जोर से चिल्लाती है। इस चीख की वजह से हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हेलन नीचे गिर गए और इस वजह से हर्ट हो सकती थी। यहाँ भी मार्था सक्सेसफुल हो गए। हेलन और ग्रैंड मदर ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। एक दिन जैक्सन और हेलन सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हेलन से कहता है कि घर पर ही तुम क्यों प्रेगनेंसी करवाना चाहती हो, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। हेलन ऐसा कुछ भी नहीं चाहती पर मार्था ने डॉक्टर को कहा था। हेलन मार्था पर बहुत ही चिढ़ गई है तो ये सब जैक्सन से वो कंप्लेंट करती है। जैक्सन इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। हेलन फिर जैक्सन की ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है। मार्था जो भी सब कर रही है ये हेलन ग्रैंड मदर को बताती है। हेलन और जैक्सन के बीच में जो दूरियां बढ़ रही है इसके पीछे भी मार्था ही है। ग्रैंड मदर कहती है कि मार्था बहुत ही डेंजरस है। मार्था हमारी सिर्फ एक एम्प्लॉय थी, उसने मेरे बेटे को फंसा लिया। उसने कभी भी मेरे बेटे से प्यार नहीं किया। उसने हमेशा जैक्सन को अपने फादर के खिलाफ भड़काया। उसने मुझसे भी उसे कभी मिलने नहीं दिया। वो तुम्हारे साथ भी यही करेगी। जैक्सन को वो तुमसे दूर कर देगी। हेलन ग्रैंड मदर से पूछती है कि जैक्सन के फादर मार्था को छोड़ देने वाले थे। ग्रैंड मदर कहती है कि कोई भी मार्था को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम जैक्सन को मेरे पास लेकर आओ, उसे सब कुछ मैं समझाऊंगी। रात में हेलन जैक्सन को समझाती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर से तुम मिलकर आओ। वो जब समझा रही थी तब मार्था ये सुन लेती है। मार्था बहुत ही गुस्सा है और वो डायरेक्टली ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाती है। वो उसे कहती है इस ओल्ड एज होम में तुम रह रही हो, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, सब कुछ मैं ही पे करती हूँ। ग्रैंड मदर कहती है कि मेरा बेटा सब कुछ पैसे तुम्हारे लिए छोड़ कर गया था, यही तुम पे कर रही हो। मार्था कहती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पर मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, मैं और मेरी फैमिली से तुम दूर रहना। ग्रैंड मा स्टीम ले रही थी पर मार्था टेम्परेचर बहुत ही कम कर देती है। ग्रैंड मदर को ठंड से बहुत ही तकलीफ होने लग जाती है। वैसे ही छोड़कर मार्था वहां से चली जाती है। एक दिन हेलन जैक्सन से बात करती है, कहती है कि तुम्हारे तुम्हारी मदर और मेरे बीच में जो भी सब चल रहा है ये सब गलत है, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। उसे फिर से न्यूयॉर्क चलने के लिए मना लेती है। जैक्सन फिर मार्था से बात करता है। मार्था कहती है कि ठीक है, तुम्हारी वाइफ को जहाँ जाना है वहाँ जा सकती है। थोड़े दिनों में हॉर्स की रेस है तो कहती है कि रेस खत्म कर तुम जाना। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि मार्था टाउन में आती है और डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर से वो कहती है कि हेलन जरा वरीड है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो जरा लेट हो रहा है। वो डॉक्टर से पूछ लेती है कि क्या हम इस प्रेगनेंसी को जरा आगे ला सकते हैं। डॉक्टर भी उसे कैजुअली एक ड्रग का नाम बता देते हैं जिससे जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। जैक्सन अब एक दो दिनों के लिए रेस के लिए चला जाता है। डिनर बनाते वक्त डेजर्ट में मार्था एक केक बनाती है, इसी केक में प्रेगनेंसी जल्दी हो इसकी मेडिसिन मिला दी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलन ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आई हुई है। हेलन कहती है कि यहाँ आना ये मेरा ही डिसीजन था। वो अपने फादर की डेथ के लिए खुद को ब्लेम करता है। मुझे लगा था कि अपने इमोशन से यहाँ पर वो सही से उभर सकता है। ग्रैंड मदर ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है, कहती है कि जैक्सन के फादर के मरने के लिए जैक्सन कैसे जिम्मेदार हो सकता है, उनकी डेथ फार्मिंग का एक औजार उनके सर पर लगकर हुई थी, ये सब कुछ न्यूज़पेपर में था। हेलन को ये अजीब लगता है। वो फिर जैक्सन के फादर का कोई अफेयर था या नहीं ये भी पूछ लेती है। अब वे क्या था यह हमें आगे पता चलेगा। रात में डिनर के वक्त मार्था एक केक हेलन को खिलाना चाहती है। हेलन का केक खाने का मूड नहीं है पर फिर भी उसे फोर्स करती है। हेलन फिर अपने रूम में केक को लेकर जाती है। रात में उसे जरा भूख लगती है तो पूरा वो खा लेती है। सुबह होने पर हेलन को पेन स्टार्ट हो जाता है। मार्था कहीं भी आसपास नहीं है तो हाउस में उसे वो ढूंढने लग जाती है। ढूंढते ढूंढते एक रूम में आती है। ये रूम मार्था ने पूरा बेबी टॉय से सजाया हुआ है। इस रूम को चेक करती है तो एक ड्रॉअर में उसे अपना ही लॉकेट मिल जाता है। ये वही लॉकेट है जो चोर ने उसे चुरा लिया था। इससे वो फिगर आउट करती है कि मार्था ने उस चोर को उसके घर पर भेजा हुआ था। मार्था का यह हमेशा से प्लान था हेलन डर जाए और वो यहाँ विलेज में आकर रहे। हेलन बहुत ही डर जाती है।
अचानक से मार्था वहां आती है तो इस लॉकेट को छुपा लेती है। जब मार्था हेलन को घर में लेकर जा रही है तभी हेलन अचानक से रुक जाती है, कहती है कि अब मैं और ज्यादा नहीं चल सकती। वो पानी मांगती है। मार्था जब घर में जाती है तो हेलन एक गाड़ी में बैठती है, वहां से भागने की कोशिश करती है। वो गेट तक आती है पर गेट लॉक्ड है। मूवी के बीच में हमने देखा था कि एक पोल्ट्री वाला आदमी भी उनके लैंड पर रहता है। उस आदमी से हेलन पूछती है कि यहाँ से वो बाहर कैसे निकल सकती है। जब उसका आवाज सुनती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में आने वाला चोर यही आदमी था। डर कर जल्दी से वहां से भाग जाती है। आगे चलकर उसकी गाड़ी मड में स्टक होती है, वो आगे जा नहीं सकती तो पैदल ही रोड तक पहुंच जाती है। वो हेल्प मांग रही थी पर कोई भी नहीं रुकता। जल्दी से मार्था उसे ढूंढ लेती है। अब हेलन लेबर में है। हेलन उससे हेल्प मांगती है। वो चाहती है कि मार्था उसे हॉस्पिटल में लेकर जाए। मार्था कहती है ये सब पेन तुम्हें अब सहन करना पड़ेगा। जैक्सन रेस ट्रैक से घर पर कॉल करता है। हेलन कैसी है वो पूछना चाहता है पर मार्था उसे फोन ही नहीं देती है। हेलन चिल्लाने लगती है यानी कि जैक्सन उसे सुन पाए, पर मार्था कहती है कि लाइन में जरा डिस्टर्बेंस है और फोन रख देती है। थोड़ी देर में खुद मार्था बच्चे की डिलीवरी कर डालती है। हेलन को डॉक्टर की जरूरत है, वो वीक है और बहुत सारा खून उसका बह रहा है और मार्था उसे हेल्प नहीं करने वाली। वो हेलन से कहती है कि मैंने ऑलरेडी गांव में सब लोगों को कह दिया है कि तुम बहुत ही वीक थी, तुम अगर यहाँ मर भी गए तभी भी कोई शक नहीं करेगा। डॉक्टर को भी उसने पहले ही बता दिया था कि हेलन चाहती है कि घर में ही उसकी डिलीवरी हो। अब लास्ट में मार्था के पास एक ड्रग है, वो हेलन को देखकर मार ही डालने वाली थी तभी वहां जैक्सन पहुंच जाता है, इस ड्रग को छुपा देती है। जैक्सन को लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है तो जल्दी घर आ चुका है। मार्था जैक्सन को उसका बेटा दिखाती है। वो कहती है कि हेलन को जरा रेस्ट करना है तो हम जरा यहाँ से बाहर चलते हैं। बहुत रात हो जाने के बाद मार्था हेलन के पास आती है, फिर से उसे मारने का ट्राई करने वाली है पर वहां जैक्सन सोया हुआ है। वो जैक्सन से कहती है कि तुम जरा प्रॉपर रेस्ट कर लो, यही काउच पर तुम नहीं सो सकते। जैक्सन कहता है कि जब हेलन उठेगी तब मैं उसे देखना चाहता हूँ। जैक्सन मानता नहीं और यही सोता है। सुबह होने के बाद हेलन को होश आता है, वो अपनी बेबी को देखकर बहुत ही खुश है। हेलन पूछती है कि मार्था कहाँ है। वो जैक्सन को मार्था के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जब ये सब ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं तो हेलन के पास एक बैग में कुछ है। मार्था पूछती है तुम्हारे बैग में क्या है। हेलन कहती है कि जैक्सन के फादर जिस चीज से मरे थे ये चीज इसमें है, ये खेती का इक्विपमेंट है और इस पर गिरकर कोई भी आदमी मर नहीं सकता। जैक्सन को लगा था कि उसके फादर स्टेयर से गिरकर मरे थे तो ये भी गलत था। वो हेलन से कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। हेलन बोलती है कि ये सब कुछ न्यूज़पेपर में था, मैं कोई भी गलत बात नहीं कर रही हूँ। मार्था सुनकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है। जैक्सन को भी याद आता है मार्था जब उसके पास पहुंचे तब उसके हाथ में यही इक्विपमेंट था, इसे वो रियलाइज करता है कि शायद मार्था ने उसके फादर को मार डाला। हेलन मार्था से कहती है तुम्हारा अफेयर था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैक्सन के फादर को ही मार डालो। मार्था जैक्सन से कहती है कि ये हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहती है, इसकी कोई भी बात तुम मत सुनो। हेलन फोन उठाती है और मार्था का जिस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था उसे कॉल करने का प्रिटेंड करती है। मार्था बहुत ही डर जाती है। हेलन कहती है कि वो 2 साल पहले ही मर चुका है, तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मार्था फिर से जैक्सन को समझाती है ये सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हेलन कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती। जैक्सन कहता है कि उसे प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अब पूरी प्रॉपर्टी में सेल कर दूंगा, मार्था को कुछ भी नहीं मिलने वाला। मार्था रोने लग जाती है। हेलन से कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे चुराया है, मेरा फार्म, मेरी सब कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए, तुम मेरी जैसी बनना चाहती हो। हेलन गुस्से में मार्था को स्लैप करती है और वहां से चली जाती है। मूवी के लास्ट में जैक्सन अपनी ग्रैंड मदर से मिलता हुआ में दिखता है, फिर से ग्रैंड मदर से अपनी रिलेशनशिप सही करता है। मार्था हमारी एक ऑब्सेसिव कैरेक्टर थी, वो एक मर्डरर थी और सिर्फ अपने बेटे से प्यार करती थी। उसके और उसके बेटे के बीच में कोई भी आ जाए ये वो इमेजिन नहीं कर सकती थी। अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए हेलन से सिर्फ उसे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था। हेलन को बेटा होने के बाद उसने हेलन को मार डालने की पूरी कोशिश की। लास्ट में सब कुछ सच बाहर आ गया और वो अकेले ही रह गए। जैक्सन के फादर की डेथ के लिए जैक्सन अपने आप को हमेशा से ब्लेम करता था। सब कुछ पता चलने के बाद अब सही से वो अच्छी फैमिली स्टार्ट कर सकता है। इसी तरह से ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी का लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर आप ले सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।